नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद सैनी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप भी हमारे पास कॉल आया है, खेत से दाने बना रखी है उन्होंने, तो उनके घर रूम के अंदर कोई दो ब्लैक कोबरा सांप है जो घुस गए हैं, तो उनका रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। हमारे पास जयराम सैनी ने कॉल किया था कि खेत में जो मकान है उसके अंदर सांप है, तो उसका रेस्क्यू करने के लिए आए। तो आपको दिखाते कौन सा सांप है, किस प्रकार रेस्क्यू करते हैं। अभी आप चलो, ये रहा एक, तो इस मच्छे के नीचे है और एक उस साइड में। ये देखो ऊपर आ गया है, नाग और नाकिन का जोड़ा है ये। दूसरे का और रेस्क्यू करते हैं। देख ले देख सकते हो दोस्तों, ये नाग नागिन का जोड़ा है जो कि बहुत पुराना सांप है और ये खेत में रहते हैं आराम से। तो आज ये मकान के अंदर घुस गए थे तो इनका रेस्क्यू करने के लिए आए। बहुत ही खतरनाक है, ब्लैक कोबरा प्रजाति के सांप है ये, नागिन है और ये बड़े वाला नाग है। और इन सांपों में जहर भी बहुत खतरनाक पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है जो कि बहुत विषैला होता है। अगर किसी इंसान को काट ले तो इंसान की 45 मिनट में मौत होना तय है, अगर सही टाइम पे डॉक्टर की सलाह से इलाज नहीं लिया जाता है तो। देख सकते हो काफ़ी गुस्से में भी है। और इन जीवों को मारना नहीं चाहिए, ये वैसे किसान मित्र होते हैं क्योंकि ये जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहे हैं, कीट जो भी कीट होते हैं उनको खाकर उनकी मदद करते हैं, तो इन जीवों को मारना नहीं चाहिए। और वैसे भी जयराम इन जीवों के प्रति बहुत ही स्नेह रखते हैं, तो इन्होंने हमें फ़ोन किया था कि मेरे घर पर वहाँ पर खेत में कोई दो सांप है जो रूम में है, तो उनको रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ो। तो कॉल करने के तुरंत बाद टीम के साथ पहुंचकर उन दोनों का रेस्क्यू किया है और अब इनको जंगल में छोड़ देंगे। और वीडियो को देखकर कोई भी नकल भी ना करें क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ख़तरनाक जहर पाया जाता है। और वीडियो को देखकर नकल भी मत करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दी गई जानकारी आप सभी लोगों के पास पहुंच सके और जिससे इन बेजवान जीवों को बचाया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, अब इनको डब्बे में पैक कर जंगल में छोड़ देंगे।